हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन एंड आंसर। ये हमारा सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, टीएस ग्रेवाल का अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी जो हमारी, उसे थोड़ा सा कवर करेंगे एंड देन अपने सेकंड चैप्टर पे टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग्स पे मूव करेंगे। जो चीज़ें रह गई थी, इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, डबल एंट्री। जो हमारा अकाउंटिंग, हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, हर एक ट्रांजैक्शन की जो ट्रांजैक्शन का अफेक्ट होता है वो दो जगह पे पड़ता है। दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन से, और उसके पहले सिंगल एंट्री भी हम लोग पढ़ेंगे। सिंगल एंट्री भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूजफुल है। सिंगल एंट्री जैसे छोटी छोटी एंटिटीज होती है, वो सिंगल एंट्री को भी फॉलो कर सकती हैं, और यूजुअली डबल एंट्री को सारी जो मेन कंपनीज हैं वो डबल एंट्री को फॉलो करती है। इसका थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। साइंटिफिक सिस्टम, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, और चेक ऑन एक्यूरेसी, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, फुल डिटेल्स फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल, कंपेरेटिव स्टडीज पॉसिबल, हेल्थ मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, नो स्कोप ऑफ फंड फ्रॉड। तो डबल एंट्री सिस्टम हमें दिया, हमने 15th सेंचुरी में डिस्कवर किया था बाय दिस मैन, डिस्कवर्ड इट फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस दैट अफेक्ट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ एनी अकाउंट। जैसे हम लोग अगर परचेजेस करते हैं गुड्स को, तो हमारी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो एंट्री है, ये दो अकाउंट का फैक्टर है, एक परचेज अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। ये हम लोग जब हम जर्नल एंट्रीज को करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हर एक एंट्री में एक डेबिट है क्रेडिट, एंड डेबिट ऑलवेज इज इक्वल्स टू क्रेडिट। डेबिट अकाउंट कंप्राइजेज ऑफ एसेट्स, एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट अकाउंट कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम। सिंगल एंट्री में क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो एक इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। इस तरीके से इस सिस्टम में क्या होते हैं, सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो एक अकाउंट को हम लोग एक जगह पे शो कर देते हैं, दूसरी जगह से नहीं करते हैं। या तो हम लोग एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड ही नहीं करते, या बिल्कुल ही कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हम लोग सारे अकाउंट्स को मेंटेन करने की जगह क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक। इससे दो अकाउंट बनते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, और हमारे डबल एंट्री सिस्टम में सारे अकाउंट्स बनते हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। ये तीनों अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। कैश बुक कम्स इन द रियल अकाउंट। ये लुक इतना फास्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में जितने पर्सन इन्वॉल्व है उनका अकाउंट एंड कैश बुक, क्योंकि कैश बुक इज नेसेसरी। हर एक कंपनी को पता होना चाहिए कि उनके कैश कहाँ से इनकमिंग हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सो द कैश इज द की ऑफ द बिजनेस, इसलिए कैश बुक इज मैंडेटरी। एंड पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हम लोग सिंगल एंट्री को फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी नॉमिनल अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है, नॉमिनल अकाउंट दैट इज एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, वो इनडायरेक्टली जब भी कोई एक्सपेंस होता है। मान लीजिए रेंट हमने पे किया, रेंट इज एन एक्सपेंस। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग रेंट पेड। इसका मतलब क्या है कि ये एंट्री अगर मैं लेजर बनाती हूँ,
तो ये रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो जब हम अगर हम लोग इस एंट्री को सॉरी दिस एंट्री एंट्री नहीं लेटर अगर इस एंट्री को कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस अगर डबल एंट्री से करता है तो वे दोनों अकाउंट बनाएगा और यहाँ पे लिखेगा टू कैश और यहाँ लिखेगा बाय रेंट। बट व्हेन इट कम्स टू सिंगल एंट्री तो ये अकाउंट नहीं होता, सिर्फ ये अकाउंट होता है क्योंकि इन द रेंट देयर इज नो पर्सन, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। जहाँ ये अगर ये पर्सनल अकाउंट होता तो दोनों अकाउंट सिंगल एंट्री में हमें दिखाई देते, तो इसीलिए सिंगल एंट्री इज इनकम्प्लीट बिकॉज जहाँ डबल एंट्री में हमको दोनों अकाउंट दिखते हैं, दोनों अकाउंट टैली होते हैं, वेयर देयर इज अ डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, वहाँ सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं होता। सिंगल एंट्री में हम लोग सिर्फ कैश अकाउंट बनाते हैं एंड द पर्सनल अकाउंट एज वेल। तो इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट छूटा था वो ये था, और ये अभी भी नहीं बताते तो मैं आपको जर्नल में जरूर कवर करा देती हूँ। जर्नल इज टोटली दिस। अब बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। रोल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हमारे ऑब्वियसली एक अकाउंटिंग हमने जितना अब तक पढ़ा है उससे हमें पता है कि अकाउंटिंग का क्या रोल है हमारे लिए। तो क्या क्या चीजें टर्म्स हम लोग अकाउंट में यूज करते हैं। एसेट्स एक वर्ड है जो शायद हम इससे थोड़ा रखते हैं जान पहचान, अदरवाइज नहीं तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे। इनकम से ऑफकोर्स हम सबको पता है व्हाट इज इनकम, बट अकाउंटिंग के रिलेवेंस में भी देखेंगे अकाउंटिंग में इनकम का क्या मतलब है, क्या ट्रीटमेंट है। सो एंड सो क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको हमें पैसे देने सॉरी जिससे हमें पैसे लेने हैं, दिस इज अ लायबिलिटी। इस पर्सन ने आपको कभी ना कभी पैसे दिए थे और अब आपको इसको पैसे रिटर्न करना है, तो ये आपके ऊपर एक तरीके का एक बोझ है, इसको निपटाना पड़ेगा। कितने देर तक आप किसी का पैसा रख सकते हैं। सिमिलरली एक डेटर टर्म रहता है हमारे पास, डेटर इसको आपने पैसे दिए थे, ये आपका क्या ये थोड़ा ना आराम है। आपके पास अगर कभी पैसे खत्म हो गए ना तो इसके पास जाओ बोलोगे वापस मेरे पैसे, और ये आपके पास कभी भी आएगा बोलेगा दो वापस मेरे पैसे। तो इसीलिए ये हमारा बोझ है, ये हमारी लायबिलिटी है। क्रेडिटर डोंट एवर फॉरगेट, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। व्हाई? क्योंकि ये आपसे कभी भी पैसे मांगने आ सकता है। डेटर इज अ एसेट बिकॉज आप इससे कभी भी पैसे मांगने जा सकते हैं। स्टॉक स्टॉक इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स होता है जो भी आपके बिजनेस में आप खरीदते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। प्रॉफिट प्रॉफिट तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हमें पता है प्रॉफिट प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क इन अ बिजनेस। ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स हम लोग एज अ प्रोप्राइटर अगर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो वो ड्रॉइंग्स है। लायबिलिटी ये बोझ, एसेट्स ये था आराम। एक्सपेंडिचर खर्चे हमारे छोटे बड़े, एक्सपेंडिचर यूजली बड़े खर्चों के लिए यूज होते हैं, छोटे छोटे खर्चों के लिए हम लोग एक्सपेंसिव वर्ड यूज करते हैं। गुड्स अच्छा ये दोनों में डिफरेंस है कुछ दिख भी रहा है। स्टॉक जो है वो रॉ मटेरियल है जो काम आएगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए। गुड्स जो है वो है बॉट टू री सेल। ये बना बनाया गुड्स है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको लेकर आए और जैसे ही हमारे पास हमारा कस्टमर आ रहा है उसको रीसेल कर दिया, एडिंग सम प्रॉफिट। परचेजेस परचेजेस इज ऑफकोर्स परचेजेस मे बी स्टॉक और मे बी गुड्स, हम लोग कुछ भी चीज परचेज कर सकते हैं एंट्री सेम होगी। वाउचर है हमारा कैश मेमो बिल। कैश मेमो और बिल में डिफरेंस होता है। कैश मेमो मीन्स आपने कैश पे कर चुका है, नो देयर इज नो एनी क्रेडिटर और डेटर एग्जिस्टिंग इन द ट्रांजैक्शन। आपने कुछ खरीदा, आपने उसको कैश दे दिया, उसने आपको कैश मेमो दिया एक एविडेंस के तौर पे कि हाँ भाई मैंने इससे पैसे लिए हैं। कई कुछ दिन बाद आके नहीं बोलेगा कि मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, यू हैव द कैश मेमो, अरे मैंने दिए थे देखो तुमने वो कैश मेमो दिया। बिल देयर इज द क्रेडिटर एंड देयर इज द डेटर।
अगर आपने खरीदा है और पैसे नहीं दिए तो यू आर अ डेटर फॉर हिम एंड ही इज अ क्रेडिटर फॉर यू. तो अगर जहाँ बिल होता है देयर एग्जिस्ट पार्टीज लाइक क्रेडिटर एंड डेटर. तो कैश में और बिल में डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों एविडेंस है. दे बोथ आर एविडेंस फॉर एनी ट्रांजेक्शन दैट हैज बीन हैपेंड. वाउचर हमने टर्म लिया कैपिटल. कैपिटल मैंने लिखा, चलो ये हो गया. कैपिटल है कैपिटल जो प्रोप्राइटर बिजनेस का जो ओनर है, ये किसका है? कैपिटल जो है वो ओनर का है. एसेट्स जो भी है कंपनी में और जो लायबिलिटीज है कंपनी में, उन दोनों का डिफरेंस ही कैपिटल है. हम लोग सारे लायबिलिटी कैपिटल एसेट्स को हटाते हैं, एसेट्स को सिर्फ कैश मानते हैं. कैश एसेट है बट सिर्फ कैश एसेट नहीं है अभी हम लोगों ने. लेकिन माने कि हमारे पास एक ही एसेट है कैश और हमारे पास एक ही लायबिलिटी है सेक्रेट. तो और बिजनेस में हमारे पास पैसा है 500 रुपए, दैट इज इन कैश. बट हम लोग उसको उस फॉर्म में नहीं बोलेंगे, हम लोग अभी अलग अलग चीज रख रहे हैं सबको. कैपिटल 500 है. कैपिटल, चलो कैपिटल हम फाइंड आउट करेंगे. मैम एक्सप्लेनिंग कैपिटल ना, लीव इट. कैश हमारे पास 500 है. क्रेडिटर 100 है, हमें देना है, अभी दिया नहीं. ठीक, तो आप कोई आके पूछता है कि आपकी कंपनी कैसी चल रही है, क्या कैपिटल कितना है आपका? तो हमारा कैपिटल है 400 रुपए. भले हमारे हाथ में, मैं एक बिजनेस मैन हूँ, मेरे हाथ में 500 रुपए कैश है, मुझसे आके बोलेगा तुम्हारा तो 500 है, कंपनी के पास 500 रुपए. बट नहीं, कंपनी के पास 400 रुपए, क्योंकि 100 रुपए तो किसी और के हैं, मेरे हाथ में तो क्या हुआ, किसी और के हैं. तो कैपिटल इज ओन, सॉरी, ओनर्स, ओनर्स प्रॉपर्टी. रिवेन्यू, रिवेन्यू ये दोनों टर्म्स अपोजिट है. अगर एक्सपेंस है वहां आपका एक्सपेंस किसी का रिवेन्यू है. कॉस्ट, ये टर्म से भी हम मिलेंगे. कॉस्ट मींस कॉस्ट है, प्रॉफिट है एंड सेल्स. यहाँ देखो नेक्स्ट टर्म सेल्स ही लिखा है उसमें भी. कोई हम लोग गुड्स खरीदते हैं उसके कॉस्ट प्राइस होती है. कॉस्ट प्राइस मीन हमारी लागत. सेल हम लोग करते हैं थोड़ा ज्यादा में क्योंकि उसमें हमारा प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है. तो ये तीनों टर्म्स आस्था से अपने स्टॉक गुड्स. इनफैक्ट एवरी टर्म मैं सारा कोई भी टर्म इरेज नहीं कर रही हूँ. ये एक वेब टाइप है, आप इसको बस नोटिस करिए कि मैं क्या क्या लिख रही हूँ. डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें मिलता भी है और हम लोग देते भी हैं. वो दोनों चीजें रिवेन्यू और एक्सपेंस में कंसीडर की जाएंगी. एक्सपेंस हम ले चुके हैं, डेटर हम ले चुके हैं. गेन, गेन प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस होता है, क्या होता है बताइए. गेन, लॉस एंड ट्रांजैक्शन. प्रॉफिट होता है जो हम लोग पूरे साल बिजनेस करते हैं और फिर पूरे साल बिजनेस करने के बाद हमारा लास्ट में हम लोग अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और उसमें हम लोगों का लास्ट में पीएनएल अकाउंट बनता है. हम लोग क्या लिखते हैं? प्रॉफिट, नेट सीधा बनाते हैं. अगर इस साइड हमारा होता है एक्सपेंस, इस साइड होता है रिवेन्यू. चलिए पीएनएल में आपको थोड़ी देर में बताऊंगी बिकॉज उसको थोड़ी नीट जगह चाहिए, इसमें छोटे से बनने था. मैं टर्म्स खत्म करती हूँ. टर्म्स खत्म हुए. ट्रांजैक्शन क्या क्या पढ़ा? एसेट, इनकम, ये सॉरी कैपिटल, परचेज, क्रेडिटर, स्टॉक, प्रॉफिट, गुड्स, डिस्काउंट. प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस बता दूं पहले. प्रॉफिट है जो पूरे साल में अर्न किया, गेन किसी एक छोटी सी ट्रांजैक्शन में हुआ. हमने सेल किया, हमारे हमने खरीदा था उसको 50 का, बेच दिया 100 में, 50 इज द गेन. बट फिर मान लीजिए हमने एक चीज परचेज की 200 रुपए में, महंगी परचेज की, उसका रियल प्राइस जो था वो 50 रुपए था, हमने 200 में खरीदा, 200 खरीदा, 100 बेचा, लॉस. तो ओवरऑल जब आएगा तो इस ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है और पिछले ट्रांजैक्शन में, सभी रेस करो यार. प्रॉफिट,
ये होता है फॉर द ईयर, ये होता है इनर ट्रांजैक्शन। हम लोग मानते हैं हमारी दो ट्रांजैक्शन हुई, या गेन लॉस कुछ भी हो सकता है, सिमिलरली यहाँ प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है। हमारी दो ट्रांजैक्शन हुई, पहले ही हमें प्रॉफिट हुआ है, ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट की मैं बात कर रही हूँ, 100 रुपए। अगले ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है 200 रुपए, तो प्रॉफिट इज, देयर इज नो प्रॉफिट एक्चुअली, देयर इज अ लॉस ऑफ 100। बट ड्यूरिंग द ईयर आप बोलेंगे कि हमें एक बार गेन हुआ था, एक बार लॉस हुआ था, बट फॉर द ईयर आपको सिर्फ लॉस हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस प्रॉफिट एंड गेन। आई होप मैंने समझा दिया है एंड आपने समझ लिया। तो प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस था? प्रॉफिट जो था वो फुल ईयर का था और गेन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का। तो दोनों टर्म्स को इंटर रिलेटेडली हम लोग यूज करते हैं, बट अगर कोई डिफरेंस में आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन गेन एंड प्रॉफिट, तो आपको डिफरेंस नहीं, यू कांट से कि नहीं डिफरेंस में तो सेम है, डिफरेंस है, बट इन टर्म्स को इंटर रिलेटिवली यूज किया जा सकता है।